हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का पाठ 1, ऊँट चला। ये एक बहुत सुंदर कविता है। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो कविता इस प्रकार है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता ढुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ये एक बहुत सुंदर ही कविता है जो एक जानवर के ऊपर लिखी गई है। इस जानवर का नाम है ऊँट। ये जानवर अधिकतर हमें रेगिस्तान वाली जगहों पर मिलता है। रेगिस्तान वाली जगह पर मिलने की वजह से कि मिलने का जो कारण है वो ये है क्योंकि ये वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रह पाता है। कविता की लाइनों के साथ मैं इसको आपको समझाती हूँ कि पहला जो पंक्तियाँ हैं उसमें ऊँट के चलने की विशेषताओं को बताया गया है कि जब ऊँट चलता है तो बहुत हिलता डुलता चलता है। दूसरी जो दो पंक्तियाँ हैं उसमें जो ऊँट है उसके कद काठ के बारे में बताया गया है, जैसे कि ऊँट ऊँचा होता है, ऊँट की जो पीठ होती है वो भी ऊँची होती है, लेकिन जो उसकी गर्दन होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा ऊँची होती है, और जब वो चलता है तो तीनों ही ऊपर की तरफ होती है, मतलब तीनों को ही लेके वो साथ में चलता है की तरफ चलता है। आगे की तरफ में बताया गया है कि जो आपका जो ऊँट है उसकी विशेषता है कि उसके जो पैर होते हैं वो बहुत गद्दीदार होते हैं, जिसकी वजह से वो बालू में आसानी से चल पाता है, और वो जब वो वहाँ पे चलता है बालू में तो उसके ऊपर अगर आप बोझा भी रखेंगे, बोझा मतलब भार, भार किसी भी चीज़ का हो सकता है, व्यक्ति का भार हो सकता है, सामान का भार हो सकता है, जब आप उसके ऊपर भार रखेंगे तो भार रखने के बाद भी वह आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है, और वो इतने अच्छे से चलता है, आसान तरीके से चलता है कि वो उसमें फंसता नहीं है। लेकिन ये कहा गया है कि जब वो थक जाता है तो वो बैठता है, लेकिन बैठते समय वो किस करवट बैठेगा, करवट मतलब किस तरफ, क्या वो दाएं तरफ बैठेगा या बाएं तरफ बैठेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता कि वो किस तरह बैठेगा। ये ऊँट की मर्जी है, जब उसको जहाँ लगेगा जैसा लगेगा वैसे बैठेगा। मुझे तो ये कविता बहुत पसंद आई और मुझे पूरी उम्मीद है कि कविता आपको भी बहुत पसंद आई होगी। चलो कविता के साथ साथ इस कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही सुंदर है। इस प्रश्न में कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं जो ऊँच ऊँट ऊँच ऊँट पीठ से पूँछ से संबंधित है। ये पंक्तियों को अगर आप भूलेंगे तो उसमें कुछ थोड़ा सा झटपट गड़बड़ होगी जल्दी जल्दी बोलने पर बहुत मज़ेदार है, आप इसको करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा जो प्रश्न है उसमें एक चित्र दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि दोनों में से रेगिस्तान कौन सा है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो रेगिस्तान है वो पहला वाला चित्र है, जो पहला चित्र दिया हुआ है जिसमें हमें जो मिट्टी है वो हल्की से भूरे रंग की नज़र आ रही है, वो हमारा रेगिस्तान है। उसके बाद का जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि बालू या रेत एक ही चीज़ है, बालू या रेत हमें कहाँ कहाँ मिलती है। बालू या रेत हमें या तो रेगिस्तान में मिलती है या फिर जो हमारे समुद्री तट होते हैं वहाँ पे जो हमें मिलता है वो भी बालू या रेत होती है। आगे की तरफ आएंगे हम अगले दूसरे प्रश्न की तरफ, तो हम देखेंगे कि इसमें हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊँचा ऊँट चला। अब हमें बताना है कि उसका जो कंपैरिजन किया हुआ है वो कंपैरिजन मतलब तुलना जो की गई है वो तुलना किस किस चीज़ से की गई है और किस चीज़ की तुलना कर सकते हैं। ऊँट कितना ऊंचा होता है, तीन इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। आगे हमें बताना तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारे घर की दीवार जितना ऊँचा होता है। दूसरा ये है हाथी कितना मोटा है, पहला इसमें दिया हुआ है तुम्हारी माँ के संदूक जितना, दूसरा इसमें दिया हुआ है ऊँट जितना, और तीसरा दिया हुआ है पहाड़ जितना।
आप ये कह सकते हो कि मेरे घर में जो बड़ा संदूक है उसके जितना हाथी मोटा होता है। तीसरा ये दिया हुआ है कि चींटी कितनी छोटी होती है, तो चींटी इसमें दी हुए हैं चीनी के दाने जितने, चावल के दाने जितने, इलायची के दाने जितने। तो हम इसी से मिलता जुलता लिख सकते हैं कि चाय की पत्ती के दाने जितने, या फिर जो हमारी राई होती है, हमारी सरसों जो होती है उसके दाने जितने, या फिर हमारी जो रसोई में हम बहुत सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं, जीरा है, अजवाइन है, उनके जितने हो सकती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ऊंचा कुछ नीचा, जैसे कि ऊँट काफ़ी ऊंचा होता है और कुछ चीज़ नीचे होती है। अब इसमें पूछा गया है कि ऊँट जो है से ऊंची चीज़ों के नाम गोला लगाओ। ऊँट से ऊंची जो चीज़ें हैं उनके नामों के आगे हमें गोला लगाना है। इसमें पांच चीज़ें दी गई हैं और इसका जो उत्तर होगा वो ये हो सकता है, बिजली का खम्बा और आम का पेड़। अब इसमें तुम्हारी कक्षा की छत भी लिख सकते हैं, गोला लगा सकते हैं, और हाथी भी इसके उत्तर में आएगा, बछिया नहीं आएगा क्योंकि बछिया काफ़ी छोटा होता है। ऊँट के नीचे क्या क्या निकल सकता है, जो भी चीज़ें ऊँट से छोटी होती हैं, उसके पैरों की जो लंबाई है उससे छोटी होती हैं, वो सब चीज़ें इसके नीचे निकल सकती हैं। जैसे हमारे जानवर हैं, बिल्ली है, बकरी है, कुत्ता है, ये सब जानवर जो हैं अब इसके नीचे से निकल सकते हैं। किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे, ऊँट बहुत ऊंचा होता है तो उस पर हमें चढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि हमें सीढ़ियाँ चाहिए, सीढ़ियों की सहायता से हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो लंबाई में बहुत ऊंचा है, लंबाई में जिसकी ज़्यादा है, हम उसकी सहायता से भी ऊँट पर चढ़ सकते हैं। आगे की तरफ आते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो ये है कि हमें ये बताना है कि ये जो चीज़ें हैं क्या क्या उठाकर चल सकती हैं। जैसे ऊँट जो होता है वो अपने पीठ, अपने गर्दन को उठा के चलता है, हमारा जो सामान है बोझ को उठा के चलता है, ऐसे हाथी भी क्या क्या उठा के चलता है। हाथी को भी हम लिख सकते हैं कि हाथी अपनी सूंड उठा के चलता है, हाथी अपनी पीठ ऊँच उठा के चलता है, हाथी बोझ उठा के चलता है, हाथी लकड़ी के जो बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, आप कह सकते हो टुकड़े जो होते हैं बड़े बड़े, उनको उठा के चल सकता है। टीचर्स अधिकतर चौक है, आपकी किताब है, आपकी कॉपी है, आपकी पेन पेंसिल है, इन सबको उठा के चलती है। पिताजी अखबार उठा के चलते हैं, चश्मा उठा के चलते हैं, मोबाइल उठा के चलते हैं, लैपटॉप उठा के चलते हैं। शेर क्या उठा है, शेर अपना शिकार उठा के चलता है, वो भी अपनी जो पूंछ होती है उसको उठा के चलता है, और शेर जो क्या कहते हैं अपना जो गर्दन है उसको अधिकतर उठा के चलता है। दादाजी अपनी छड़ी उठा के चलते हैं, दादाजी अपने चश्मा उठा के चलते हैं, दादाजी थैला उठा के चलते हैं, दादाजी अखबार उठा के चलते हैं। इस तरीके से आप इसको अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अलग अलग घर, अब ये देखो कुछ चीज़ें, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें एक सुर में या एक तरीके से जो बोले जाते हैं उस तरीके से हमें उनको रखना है। जैसे कि ऊँट है, जूट है, सूट है, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में आएगा ये है बालू है, आलू आ जाएगा, चालू आ जाएगा, फस के साथ में धस आ जाएगा और हस आ जाएगा, चला के साथ में भला आ जाएगा, गला आ जाएगा, जब के साथ में कब आ जाएगा और तब आ जाएगा। बहुत ही अच्छा है और अच्छा लगेगा आपको भी करके, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप इसके अलावा भी और शब्द भी इसके आगे और स्थान बना के लिख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, बहुत सारे शब्द दिए हैं, बालू है, इस तरीके से शब्दों का आप ढूंढ अपने आप ही ढूंढिए। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, जैसे कि मेरा नाम आ से शुरू होता है, अनीता है, तो आ से और कौन कौन से नाम शुरू होते हैं, जैसे आ से अमन शुरू होता है, अनुराधा शुरू होता है, अयान शुरू होता है, अक्षत शुरू होता है, अपूर्वा शुरू होता है, इस तरीके से आप बहुत सारे नाम इसमें लिख सकते हैं, जो भी आपके आपके नाम का पहला अक्षर है उसके अनुसार। बहुत से जानवर बोझ ढोने के काम में लिए जाते हैं, उनमें से किस किसके नाम आप जानते हो, जैसे कि हमारा हाथी है, घोड़ा है, ये सब जानवर हैं जिनको हम बोझ ढोने के काम में लेते हैं। हमारे आसपास कौन कौन है जो बोझा उठाते हैं, हमारे आसपास अगर जानवरों की बात करोगे तो हमने जनरली देखा है कि गधे जो हैं वो हमारे यहाँ सामान उठाने के काम में आते हैं,
आते हैं। ऊँट हमारे यहाँ सामान उठाने के काम में आता है। हम लोग सामान उठाने के लिए घोड़ों का भी यूज़ करते हैं। और क्या कहते हैं आपकी जो हमारी ऊँट गाड़ियाँ, बैल गाड़ियाँ या ये जो ये सब भी बोझ ढोने के काम में आती हैं। अब आखिर में दिया हुआ है इसमें कि अपनी खुद की कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हम कर सकते हैं इसको आसानी से, आप खुद कर देखिएगा। इसके आगे की तरफ आती हूँ मैं अगले पृष्ठ पर, और अगला पृष्ठ है हमारा पृष्ठ नंबर 7। ये तो और ही ज़्यादा मज़ेदार सवाल है। इसमें क्या है, बहुत सारे ऊँट हैं जो आपको काउंट करना है कि ये कितने हैं। मैं इसका उत्तर आपको नहीं बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, आप खुद काउंट करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से पसंद आया होगा। पाठ वाकई बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आपको नए नए वीडियोस भेज सकूं। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का पाठ 1, ऊँट चला। ये एक बहुत सुंदर कविता है। पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो कविता इस प्रकार है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता ढुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट।